नागपुर जिले में ग्राम पंचायत चुनाव के बाद सरपंच बनाने की राजनीति की जा रही थी। 129 ग्राम पंचायतों में से भाजपा ने 73 ग्राम पंचायतों पर जीत हासिल की है। भाजपा ने ग्राम पंचायत चुनाव में जीत हासिल की है क्योंकि केवल फडणवीस सरकार के कार्यकाल में नागपुर में सभी विकास कार्य किए गए हैं, ऐसा पूर्व ऊर्जा मंत्री बावन पीड़े द्वारा कहा गया। नागपुर जिले में 129 ग्राम पंचायतों में से 73 ग्राम पंचायत पर भाजपा का झंडा लहराया है। नागपुर जिले में ग्राम पंचायत सरपंच बनने के लिए बड़ा राजकारण भी किया गया, फिर भी भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है, ऐसा पूर्व मंत्री बावन कुए द्वारा कहा गया है। साथ ही बावन कुए बोले, नागपुर में जो भी विकास कार्य हुए है वो पूरे फडणवीस सरकार के कार्यकाल में किए गए है। महाविकास अघाड़ी द्वारा पिछले 14 महीने कार्यकाल में किसी भी तरह के कामों को मंजूरी नहीं दी गई, सिर्फ उद्घाटन किए गए हैं, ऐसी तीखी टिप्पणी भी बावनकुळे द्वारा की गई। नागपूर जिल्ह्यामध्ये आज आमच्या करता आनंदाचा दिवस आहे। 129 पैकी 73 ग्रामपंचायतवर भारतीय जनता पार्टीने हा विजय मिळवलेला आहे। महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी साम दाम दंड भेद गुंडागर्दी साऱ्या गोष्टी केल्या, काही आमचे लोक पळवण्याचा प्रयत्न केला, पण आज त्यांचा तो प्रयत्न असफल झाला। आज 129 पैकी 73 ग्रामपंचायत भारतीय जनता पार्टीचा विजय झाला, अत्यंत मोठा विजय हा आहे आणि यानंतर आम्ही सर्व निवडणुकीमध्ये विजय मिळवू अशी आम्ही तयारी केली आहे। महाविकास आघाडीच्या सरकार आल्यापासून 13 महिन्यापासून एकही काम चालू नाही आहे। जे कामं आपल्याला नागपूर जिल्ह्यात दिसत आहे हे सर्व कामं भारतीय जनता पार्टीच्या काळातले आहे। या सरकारनं एकही नवीन काम मागच्या 14 महिन्यात मंजूर केलं नाही, उलट फडणवीस साहेबांच्या सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या कामाचं उद्घाटन करायला येतात आहे। उद्धवजी आले गोरेवाडा कोणी केलं? फडणवीसांनी केलं। अनिल देशमुखजी आले पोलिसांच्या त्या ठिकाणी क्वार्टरचं उद्घाटन करायला, कोणी केलं काम? फडणवीसच्या सरकारने केलं। मी तुम्हाला सांगतो, मागच्या एक वर्षात काही काम केलं नाही, उलट या सरकारने विदर्भ विधानिक मंडळ बंद पाडलं। नागपुर जिले के बहादुरा गढ़ ग्राम पंचायत में भी भाजपा ने अपना परचम लहराया है। बहादुरा गांव में भाजपा समर्थकों के द्वारा जल्लोष किया गया, ढोल नगाड़े बजाकर जीत का जश्न मनाया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।